व्हाट्स अप गाइस, डंकी मूवी का ड्रॉप 4 आ चुका है जो कि है ऑफिशियल ट्रेलर। तो करते हैं साथ में इंजॉय, स्टारिंग शाहरुख खान, तब्सी, विक्की कौशल, बोमन ईरानी। तो भाई अब तक जो वाइब्स निकल के आई ना, मस्त लग रहा है। मतलब जो जितने हमने ड्रॉप्स देखे थे, तो फाइनली ट्रेलर है चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। और कौन कौन एक्साइटेड है इस मूवी के लिए कमेंट करके जरूर बताना। और एनिमल मूवी हमने देख लिया, उसका व्लॉग हमने डाल दिया, तो जरूर चेकआउट करना। 1 2 3 गो। जे कहानी शुरू हुई थी 1995 में, जब मैंने लालटो में कदम रखा। 95 यहाँ मिले 4 उल्लू देख पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे। बल्ली बाल काटता था। बाल छोटे करने हैं जी, बड़े कर सकता है, कर दे। बुगु पिजामिया बेचता था। मुझे इतने बड़े बड़े साइज क्यों दिखाना है, मैं स्मॉल साइज डालती हूँ। जी आंटी जी, आपने पजामी टांगों में चढ़ानी है, छोटी उंगली में चढ़ानी है। और सुखी अंग्रेजी झाड़ता रहता था। आई अंडरस्टैंड नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, कोलन, सेमी कोलन, कॉमा से फुल स्टॉप। और उनके साथ मेरी मन्नू दुनिया से लड़ जाती है मेरे लिए। नमूना नहीं है ये, नहीं आती अंग्रेजी, हो गई गलती। कुछ तो घुमाती है कोच जी को, वहां गलती नहीं करते। आज तक लाइफ में मेरे लिए कोई लड़ा नहीं है पहले सर जी। तो जी मेरे लिए तो हो गई है मेरी वो गर्ल वाली फ्रेंड। मैं आपको लंदन पहुंचा सकता हूं, इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। I want to go to lavatory. I want to go to lavatory. I don't want to go to lavatory. I to ji done lavatory. So if you've no vocabulary, how do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी का? 100 साल राज करके गए अंग्रेज हम पे, जब ये यहाँ आए थे हमने तो नींद से पूछा था कि भाई हिंदी क्यों नहीं आती, हिंदी आती है क्या? जब हमने इनको नहीं रोका था तो ये कौन होते हैं हमको रोकने वाले? चल वे वतना, ये स्ट्रगल होगा पूरा। बैठ के लंबी बात करांगे। हमने मजबूरी में अपना घर छोड़ा था, वरना कोई अपना देश, अपना परिवार, अपने दोस्तों को छोड़कर क्यों जाएगा सरहदों पे गोली खाने? ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 25 साल बाद मैं हूं हरदयाल सिंह ढिल्लों हड्डी। जय हिंद। भाई ये मस्त होने वाली है, मस्त, क्योंकि पता है क्या, एक्शन, रोमांस, ड्रामा, फुल में इमोशंस बहुत कुछ होने वाले हैं। और मतलब जो शूट हुआ बहुत गजब, बहुत अच्छा लगा कि जब ये आए थे हम तो नहीं पूछते थे इनसे कि हिंदी आती है। सही पॉइंट मारा, सही पॉइंट मारा, और ये अंग्रेजों तक पहुंचा देने पॉइंट सारे। मैंने ये चीज देखी है, जब कोई अंग्रेज टूटी फूटी हिंदी बोलते है ना, वही और कितना क्यूट लग रहा है, देख कैसे हिंदी बोल रहा है। और वही कोई अगर इंडियन मतलब इंग्लिश में गड़बड़ कर दे ना तो इंसल्ट करने लग जाते हैं। ऐसे नहीं कि वो लोग इंडियन से इंसल्ट करने लग जाते हैं खुद के, दे भाई इंग्लिश नहीं आती है वो। भाई एक्टर से बहुत गजब काम किया है शाहरुख खान का, स्पेशली मैं कहूंगा जो वो जो क्लास के अंदर जो लुक निकल के आया था, बिल्कुल बच्चे वाला, बच्चे वाला था। फैन थी, कौन सी थी, फेस ऐसा लग रहा था, जीरो 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 में ऐसा फेस था, जीरो फैन हो गई। हाँ। और एक और चीज मुझे ये लगी कि जो जैसे ट्रेन के अंदर अपने आप को बचा के गोलियां चल रही, तो इसके अंदर स्ट्रगल भी देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर मतलब कि वो कहता है ना, एज ऑफ द सीट पे बैठे यार कैसे भी पहुंच जाए वाली बात भी है। और लास्ट में फिर कोई अपना घर ऐसे छोड़ गया था, जैसे लास्ट में वो सीन दिखाया ट्रैक भागते हुए बुढ़ापे वाला सीन, तो मतलब इमोशंस हो रहा है। नो डाउट आपने हमेशा ही देखा है कि जब राजकुमार हिरानी की मूवी होती है, चाहे थ्री इडियट्स हो, चाहे मुन्ना एमबीबीएस, तो उसमें इमोशनल फैक्टर बहुत अमेजिंग तरीके से शूट करते हैं, और वो बहुत मतलब कनेक्ट फील करना ऑडियंस से इंटरेस्ट नहीं रहता है।
शाहरुख खान ऐसे चुलबुले अंदाज में, मजा आएगा देखने में। और जब वो ट्रेन से निकले तो वो कहीं ना कहीं वैसे याद आ गई ना कि बहुत टाइम पहले जब चेन्नई एक्सप्रेस में जो कैरेक्टर था मस्त चुलबुला उस तरीके से। देखते हैं जब मूवी आती है क्या कुछ रिस्पॉन्स निकल के आता है। मुझे काफी एक्साइटमेंट लग रहा है क्योंकि हमेशा ही एक्शन स्पेसिफिक नहीं रहना चाहिए। सिनेमा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को इस तरीके से पोर्ट्रे करना मजा आता है देखने में। बाकी अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा है तेरे को? अच्छा। ओवरऑल अगर बात करूं, एक्साइटेड हूं मैं इस मूवी के लिए। बहुत टाइम से ऐसी मूवी की वो थी, डिमांड कहो या फिर एक वो वेट था कि शाहरुख खान इस तरह की मूवी लेके। देखो ना तो मैंने पिछले कुछ टाइम से लगातार एक्शन मूवीज देखी है। मैंने पठान देखी, टाइगर अभी नहीं देखी, फिर जवान देखी, अभी रिसेंटली हमने एनिमल देखी है। एनिमल वाला ब्लॉग डाला है वो भी देखना। मिलते कपड़े के साथ, बाय, टेक केयर।